चतरा के होटल में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के बुद्धिजीवियों ने बैठक की, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी और उम्मीदवारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। मौके पर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल्ला अंसारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि देश की बदली हुई राजनीति में अल्पसंख्यकों को दरकिनार किया जा रहा है। साथ ही कहा कि समुदाय के वोटों का धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं उन्होंने राज्य के 14 में से 4 सीटों पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार की मांग की है, एवं चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और गोड्डा शामिल है। वहीं उन्होंने कहा है कि मांग पूरी नहीं होने पर समाज के बुद्धिजीवी और नुमाइंदे बाद होकर कठोर कदम उठा सकते हैं। नेतृत्व करने वाले लोगों से निवेदन करेंगे और मांग करेंगे, अपना डिमांड रख रहे हैं कि चतरा लोकसभा से लेकर झारखंड के 14 सीटों में से 4 सीटों पर मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को लाया जाए और मुसलमान को उम्मीदवार बनाया जाए। चूंकि इससे पहले भी झारखंड के 2 से 3 जगहों पर मुसलमान एमपी बन चुके हैं और उसके बाद महागठबंधन से लेकर के भारत की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं मुसलमानों से सिर्फ वोट लेती है। जा रहा है कि हम लोग को इंडिया गठबंधन में ही वोट ये लोग करेंगे जो इस बार उनको इस सोच को बदल देंगे। अगर हमारे लोगों को कैंडिडेट नहीं बनाया गया तो इस बार हम लोग बदल देंगे। अगर ये बात महसूस करते हैं वो कि महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसके तहत मुसलमान जाएंगे कहां, वोट हमको ही करेंगे, ऐसा इस बार चतरा लोकसभा से हम लोग इस उनकी जो सोच है उनको बदलने की तैयारी में हम लोग अनन के। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।